हेलो फ्रेंड्स, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मनरेगा के पदों की जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम बात करते हैं कार्यालय जिला पंचायत DRDA जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ जिले के लिए मनरेगा के अंतर्गत, जिन्हें हम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहते हैं, उसके अंतर्गत आपका बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई है। इसमें जिसके अंतर्गत आपका कार्यालय जिला पंचायत जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आयु सीमा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात यदि आपकी आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम इनकी जानकारी, पद की जानकारी जानने से पूर्व हम ये देखते हैं कि इनके लिए समय तिथि क्या है, कब तक हम आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में तो आप जो इन पदों के लिए इच्छुक है वो सभी अभ्यर्थी 23/10/2021 सायं 5:30 बजे तक, अर्थात 23 अक्टूबर 2021 5:30 बजे शाम तक आप निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर भेज सकते हैं। अब इनके पदों की पूरी जानकारी, तो जिसमें आपका देखिए अलग अलग पदों के लिए रिक्तियां आयोजित की गई है, रिक्तियां निकाली गई है, जिसमें आपका समन्वयक शिकायत निवारण जिला स्तर पर, समन्वयक तकनीकी जिला स्तर पर, कंप्यूटर प्रोग्रामर जिला स्तर पर, कार्यक्रम अधिकारी जनपद स्तर पर, समन्वयक तकनीकी जनपद स्तर पर, सहायक प्रोग्रामर जनपद स्तर पर, उसी प्रकार से आपका तकनीकी सहायक जनपद स्तर पर, सहायक ग्रेड 2 जिला स्तर पर, लेखापाल जनपद स्तर पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर आपका जिला या जनपद स्तर पर, उसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 जिला और जनपद स्तर पर, चपरासी के पद हैं जिला और जनपद स्तर पर। इस प्रकार से पद नाम 12 है। इसमें टोटल पदों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई है, जिसमें आपका पदों की कुल संख्या 20-30 से भी ज़्यादा होगी, जिसको हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है। तो चलिए हम इनकी पदों की संपूर्ण जानकारी को समझते हैं। तो देखिए, इसमें आपका समन्वयक शिकायत निवारण जिला स्तर पर है, जिनकी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने प्रथम श्रेणी के साथ MBA किया है ग्रामीण प्रबंधन में या ग्रामीण विकास में, या PGDRM, PGDRD या सामाजिक कार्य MSW का कोर्स किया है, सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री है, वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। मेरिट का निर्धारण कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 100% का वेटेज देते हुए 70 अंक उससे निकाला जाएगा। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 15 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम यदि अनुभव है तो उस पर भी आपका अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों, आपका समन्वयक तकनीकी के पद के लिए ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है सिविल या एग्रीकल्चर ब्रांच से, तो इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार से आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद है जिला स्तर के, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए भी दोस्तों, आपने यदि इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस के साथ प्रथम श्रेणी में, या MCA किया है कंप्यूटर साइंस के साथ, या MSc कंप्यूटर साइंस किया है, या BE IT किया है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जितने भी पद हैं दोस्तों, 40,000-50,000 सैलरी प्रति माह आपको देय है, अर्थात दिया जाएगा। उसी प्रकार से आपका कार्यक्रम अधिकारी जनपद स्तर पर भी निकाला गया है, जिनके यदि वेतनमान की मैं बात करूं दोस्तों तो 31,450 रुपये है। इनके लिए MBA या BE होनी चाहिए रूरल टेक्नोलॉजी में, या गणित भौतिक के साथ यदि आपने स्नातकोत्तर किया है तो आप इन पदों के लिए योग्यता रखते हैं। उसी प्रकार से समन्वयक तकनीकी के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री
आवश्यक है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने सिविल या एग्रीकल्चर ब्रांच से इंजीनियरिंग किया है वो इन पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसी प्रकार से आपका दोस्तों सहायक प्रोग्रामर जनपद स्तर पर निकाला गया है, जिनका वेतनमान 27,740 रुपये प्रति माह देय है। इनकी यदि मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस या आईटी विषय के साथ जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया है तो इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों तकनीकी सहायक जनपद स्तर पर निकाला गया है कुल 3 पद। तो तकनीकी सहायक की यदि मैं वेतनमान की बात करूँ तो 25,780 रुपये वेतन आपको दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इंजीनियरिंग या बीटेक किया है सिविल ब्रांच में या जिन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल ब्रांच से किया है वो इस पद के लिए योग्य रखता है। उसी प्रकार से दोस्तों आपका सहायक ग्रेड 2 के जिला स्तर पर भी एक पद स्वीकृत किया गया है, जिनकी मैं वेतनमान की बात करूं दोस्तों तो 18,420 रुपये का वेतन प्रति माह दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जो प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक है वो सहायक ग्रेड 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका लेखापाल के भी एक पद स्वीकृत किया गया है दोस्तों। यदि आप लेखापाल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास 55% अंकों के साथ बी काम की योग्यता होना चाहिए। यदि आप एसटी या एससी उम्मीदवार हैं तो आप 50% अंकों के साथ कॉमर्स विषय के साथ बी कॉम ग्रेजुएट हो तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के जिला और जनपद स्तर पर कुल 5 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनके वेतनमान 18,420 रुपये देय है। यदि मैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया है तथा किसी भी विषय में यदि वह स्नातक की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण है या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है और जिनके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के एक वर्षीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। इसके साथ साथ उनके पास जो हिंदी एवं अंग्रेजी डाटा एंट्री की गति भी होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत यदि आपके पास DCA PGDCA कोपा जैसे डिप्लोमा है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कि मैं सैलरी की बात करूं दोस्तों तो सहायक ग्रेड 3 की सैलरी 14,200 रुपये देय होगा। उसी प्रकार से आपका चपरासी के भी 7 पद स्वीकृत किए गए हैं जिला और जनपद स्तर पर। यदि मैं इनकी वेतनमान की बात करूं दोस्तों तो 11,360 रुपये वेतन चपरासी को दिया जाएगा, जिनकी क्वालिफिकेशन कक्षा 5वीं रखा गया है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अन्य छूट का भी प्रावधान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है जो इस पर लागू होगा। जैसे आपका महिलाओं को शासन के नियम अनुसार 30% छूट पर आरक्षण दिया जाएगा, दिव्यांगों को 6% आरक्षण और उसी प्रकार से आपका भूतपूर्व सैनिकों को राज्य शासन के निर्देशानुसार 10% समस्ती आरक्षण दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों, यदि आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 18 वर्ष और मैक्सिमम 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला या दिव्यांग जन के उम्मीदवार हैं तो जैसा छूट शासन के नियमानुसार आरक्षण श्रेणी को दिया जाता है उस उन तमाम छूट का प्रावधान आपको इस नौकरी में मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों, यदि आप उपयुक्त पदों के लिए अनिवार्य योग्यता रखते हैं तो आवेदन पत्र बंद लिफाफे में परियोजना निदेशक जिला पंचायत DRDA के कार्यालय में पंजीकृत डाक के माध्यम से 23/10/2021 तक कार्यालयीन समय शाम 5:10 बजे तक अर्थात 5:30 बजे तक 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 1/8/2021 की स्थिति में आपकी उम्र सीमा
18 वर्ष हो जानी चाहिए। इसके लिए आप छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, अर्थात छत्तीसगढ़ के अगर आप किसी भी राज्य में निवास करते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही नई नई जॉब की जानकारी के लिए मेरे चैनल श्री जॉब एजुकेशन से जुड़े रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।